हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे आप। मैं राजन चौधरी फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के, एक कहानी लेकर के, मोटिवेशनल कहानी लेकर के। अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। एक विलेज में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी भगवान के बड़े भक्त थे। डेली पति पत्नी मंदिर की सफाई करते थे, पूजा अर्चना की सामग्री जुटाते और मंदिर में आने वालों को भोजन कराते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। जब भी कोई फेस्टिवल आता बड़े उदास हो जाते। पुजारी की पत्नी तरह तरह के स्वादिष्ट खान पान बनाती थी। उसके हाथ की बनी हर चीज बड़ी ही मजेदार होती थी। सारे विलेज के बच्चे उसके घर जा पहुंचते और जी भर के उसका खाना खाते थे। जाते समय वो सभी को मुट्ठी भर शक्कर बारे दे देती थी। इसी तरह दिन बीतते गए। एक बार एक मांगने वाला उस मंदिर में आया। वो गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। मंदिर में लंगर चल रहा था। उसने खाने से पहले नहाना ठीक समझा। अपने पैसे की थैली को वॉशरूम के किनारे रखकर नहाने लगा। जब वो नहा करके बाहर आया तो थैली गायब थी। ढूंढता रहा, उसको थैली नहीं मिली। उसने सभी से पूछा पर कोई भी थैली का पता ना बता सका। भगवान जाने वो थैली कहां गई, जमीन निगल गई कि आसमान खा गया। बेचारा रोता कलपता अपने गांव लौट गया। कुछ टाइम बाद पुजारी की पत्नी झाड़ू लेकर की सफाई करने लगी। जैसे ही उसने गाय का गोबर उठाया तो थैली मिल गई। हुआ क्या था, जब ब्राह्मण नहाने गया था तो एक गाय ने थैली पर ही गोबर कर दिया था। गोबर से ढकने के कारण उसे थैली दिखाई ही नहीं दी। पुजारी की पत्नी ने ब्राह्मण की अमानत को संभाल करके रख लिया। उसने एक बार फिर थैली का मुंह तक नहीं खोला। कुछ मंथ्स के बाद वो ब्राह्मण फिर से वहां आया। थैली खोने के बाद उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। पुजारी ने ब्राह्मण को खाना खिलाया, फिर उसके थैली सामने रख दी। ब्राह्मण मारे खुशी के रो पड़ा। उसने सारी कहानी सुनी और पुजारी की पत्नी से बोला, इस पैसे पर आपका भी हक है, आप इसमें से आधा ले लीजिए। पुजारी की पत्नी एक धार्मिक लेडी थी। उसने पुराए पैसे का एक पैसा लेने से भी इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया, अगले ही साल तू माता बनेगी। ऐसा कहकर कि वो ब्राह्मण लौट गया। अगले साल पुजारी की पत्नी ने अपने मन की मुराद पाई। जानते हो क्यों? उसका बेटा कौन था? उसके यहां मलयालम के फेमस कवि कुंजन नंबियार ने जन्म लिया था। कहते हैं इस कवि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मलयालम भाषा के जानकार इनकी कविताएं जरूर पढ़ते हैं। ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों का भला करता है उसका अपने आप ही भला हो जाता है। सो कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए। दोस्तों, स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। और हो सके तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल राजन चौधरी मोटिवेशनल स्पीकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए आप।